न्यूज में आपका स्वागत है। इस खबर पर एक नजर। बगैर डॉक्टर के चल रही 108 एम्बुलेंस। भंडारा जिले के लाखांदूर तहसील अंतर्गत मुक्काम रजनी पोस्ट ओपारा गांव के प्रेग्नेंट महिला ने पल्लवी शरद पुरजेकर 108 एम्बुलेंस द्वारा पौनी रुग्णालय में भेजा गया, लेकिन इसकी जानकारी बीएस क्राइम इंडिया न्यूज को दी गई। 108 एम्बुलेंस में बगैर डॉक्टर के पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचा जा रहा है। यह घटना सही है या गलत, इसकी जानकारी पता करने स्वयं बीएस क्राइम इंडिया न्यूज के संपादक पौनी रुग्णालय में पहुंचे। पहुंचकर मरीज पल्लवी कुर्जेकर से बातचीत करने पर बताया कि उनके साथ 108 एम्बुलेंस में 50 से 60 की उम्र का व्यक्ति लाखांदूर से पौनी लाते वक्त एम्बुलेंस में अपने आप को डॉक्टर बता रहा था। ना ही उसने आईडी कार्ड पहनी थी, ना ही व्यक्ति वो देखकर ऐसा लग रहा था कि वह डॉक्टर है। इसके बाद जांच पड़ताल आगे बढ़ते हुए पौनी रुग्णालय के डॉक्टर जायसवाल से बात करने पर उन्होंने बताया कि जिस 108 से उन्हें छोड़ा गया था वहां 108 में डॉक्टर नहीं था तथा उसकी ऑफिशियल रजिस्टर पे नोन भी नहीं थी। पौनी रुग्णालय के वैद्य के बंसोड़ से बात करने पर उन्होंने जांच पड़ताल शुरू कर दी। उस समय 108 पर एम्बुलेंस पर कौन से डॉक्टर उपस्थित थे, लेकिन इसकी जानकारी प्राप्त नहीं हुई, जिससे यह कहा जा सकता है कि 108 एम्बुलेंस के भंडारा गोंदिया जिले के इंचार्ज समीर शेंडे से सारी घटना की जानकारी दी तथा उनसे 108 एम्बुलेंस पर लाखांदूर पौनी पल्लवी कुर्जेकर को ले जाते समय कौन सा डॉक्टर उपस्थित था, इसकी जानकारी मांगने पर कहा कि आपको कुछ समय में बताता हूँ। दोबारा फोन कॉल द्वारा बीएस क्राइम इंडिया न्यूज के संपादक ने संपर्क करने की कोशिश की तो कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद 108 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर पल्लवी पेशेंट की कंप्लेंट नंबर की जानकारी मांगने पर 108 द्वारा बताया गया कि इस नाम की किसी भी पेशेंट को लाखांदूर से पौनी रेफर नहीं किया गया, हमारे पास इसकी कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं। इस प्रकार की घटना 8 मई 2019 को करीबन 12:30 बजे रात को पौनी से भंडारा 14-15 साल के बच्चे को हाथ में फ्रैक्चर 108 एम्बुलेंस द्वारा भंडारा जिला रुग्णालय में भेजा गया था। उस भर्ती मासूम बच्चे को पूछने पर बताया कि पौनी भंडारा लाते समय कोई डॉक्टर 108 एम्बुलेंस में उपस्थित नहीं था, मैं मेरे पापा और चाचा पौनी से भंडारा आए थे, इस प्रकार की जानकारी पेशेंट ने दी। 108 एम्बुलेंस में पेशेंट को ले जाने के लिए डॉक्टर आवश्यक है तो बिना डॉक्टर के पेशेंट को क्यों भेजा जा रहा है? 108 एम्बुलेंस में पेशेंट या मरीज के साथ डॉक्टर उपलब्ध होता है तो उसकी जानकारी गवर्नमेंट रजिस्टर में नोंद क्यों नहीं की जाती? क्यों बार बार मरीजों के जान से खिलवाड़ किया जाता है? संबंधित विभाग में इसकी तकरार नोन होने के बाद भी अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या ये बड़ा गोलमाल है? बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पार्ट 2 में कौन सी एम्बुलेंस कितने डॉक्टर होते हैं और 108 एम्बुलेंस में जिन लोगों की कालाबाजारी चल रही है इसका खुलासा करेगा। यदि इस प्रकार की कोई भी घटना आपको नजर आती है तो या आपके साथ घटी हो तो बीएस क्राइम इंडिया न्यूज के हेल्प नंबर पर संपर्क करें। जानकारी देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। कोणते डॉक्टर ने घेतलं होतं और कुठून आले तुम्ही आता हे कोणी दवाखान्यात वल्लीवरून आलो आशा काहीने फोन केलं होतं तिथं म्हातारेसे होते डॉक्टर सोबत त्यांच्या कोणत्या गाडीमध्ये 108 केव्हा आली होती तुम्ही केव्हा फोन केलं होतं त्यांना तरी 10:30 वाजता केव्हापर्यंत आली मग गाडी तुमच्याकडे 1 तासाने आली 11:30 वाजता हो तिथं उपकेंद्रामध्ये सर्व त्यांनी सह्या नोंदणी वगैरे घेतली डॉक्युमेंट्स बघितलं सिस्टर वगैरे होते ना तिथं डॉक्टरची वय किती असेल अंदाजे त्याची वय असेल जे 60-70 वय असेल 70 पर्यंत 70 75 तरी तपासलं का तुम्हाला
त्यांना डॉक्टर बसलं नाही काहीच तपासलं नाही का बीपीचे फक्त बीपीचे बीपीचे केलं फक्त हा काही हे नाही केलं तपासलं काही नाही डॉक्टर समोर बसला होता मागे बसला होता माग मागे बसला होता का अच्छा सही वगैरे घेतली तुमची तिथे आमची नाही घेतली आईची आईची घेतली रजिस्टर रजिस्टर सोबत कोण येत आहे असं विचारलं आणि नाव वगैरे लिहिलं सर्व होता आणि मग सही घेतली लेडीज लेडीज डॉक्टर होते तिथे कोणी नाही लेडीज डॉक्टर कोणीच नव्हतं का उपकेंद्रामध्ये होत्या नाही गाडीमध्ये नव्हत्या एकशे मध्ये लेडीज डॉक्टर कोणीच नव्हते का नव्हत्या डॉक्टरने कोणी चेक केलं होतं गाडीमध्ये नाही केलं होतं गाडीमध्ये कोण कोण होते त्या दिवशी तुझ्या मागे बसलेले अजून दोघंच जण होते का तिसरा कोणीच नव्हता का ठीक आहे मी डॉक्टर अमित जयस्वाल मी सध्या ड्युटीवर आहे मेडिकल ऑफिसर ॲज अ मेडिकल ऑफिसर 1 वाजता ही ANC ॲडमिट केली होती म्हणजे ते 108 डॉक्टर्स नव्हते आणि कोणीच नव्हतं ते फक्त इकडे पेशंट टाकून निघून गेले आणि मला काही सूचित करण्यात आलेलं नाही पेशंटबद्दल पेशंटचे कसं ते पेन्स ते क्लिनिकल पूर्ण असेसमेंट झालेलं आहे तर त्याचे पेन पेन्स वरणं प्रोग्रेस करता येते मी माझे राऊंड चालूच असतात दर तो 2 तासाने कारण इकडे इमर्जन्सी पेशंट पण ॲडमिट होत असतात तर तसं आम्ही बघत असतो कोणाला काही तकलीफ त्रास झाला तर आम्ही त्यांना लगेच बघतो तुम्ही असं म्हणू शकता ना की 108 चूक झाली म्हणून त्यांनी नोंद नाही केली हो 108 चूक झाली काही ना काही कारण तिकडे त्यांच्यासोबत डॉक्टर यायला पाहिजे होते पण ते आले नाही किंवा का नाही आले का सूचित करण्यात नाही आले की किंवा ते त्यांच्या रजिस्टरवर का सही नाही घेता आली माझी ते त्याची इन्व्हेस्टिगेशन झालं